Let's go. Action. बहुत अच्छा था, बहुत इमोशनल था, बहुत हार्ट ब्रेकिंग भी था. यू नो, इतना कुछ हमने फील किया इन दैट 20-मिनट विजिट. इट वाज जस्ट सो हार्ड बिकॉज एक तो हम किसी को छोड़ के आए हैं और किसी को मिलके दोबारा छोड़ना सबसे ज़्यादा मुश्किल. व्हाट आर यू डूइंग? हेलो, व्हाट आर यू डूइंग? यू वांट टू सिट विद, ओके, सिट विद मॉम हियर देयर. हेलो, ओहो, व्हाट आर यू डूइंग बेबी? लुक एट यू. It's okay, खा लो. What can we do? हाँ, so बहुत hard था. You know, दोबारा छोड़ना बहुत मुश्किल था. बच्चों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि इन ये बहुत छोटे हैं. You know, अगर थोड़े बड़े होते बोल सकते थे कि डैड को थोड़ी टाइम छोड़ना शूट है. अगर ज़्यादा छोटे होते तो इनको समझ में नहीं आएगी क्या हो रहा है. पर ये 2 years old है and it's tough for them because they don't know कि डैड क्यों यहाँ रुके, हम क्यों नहीं अंदर रह सकते उनके साथ. मुझे छोड़ने के लिए तैयार थे लेकिन डैड को नहीं छोड़ना चाहते थे. And they also don't understand कि हमारे साथ क्यों नहीं आ रहे, यहाँ क्यों रुके हैं. एंड दे डिडंट वांट टू लीव हिम एंड इट वाज रियली रियली हार्ड. एक्चुअली वाज हार्ट ब्रेकिंग टू सी बिकॉज ये मैंने नहीं एक्सपेक्ट किया कि इतना हार्ड होगा. सो हार्ड. तो वो तो रो पड़े तो उनको देख के यू नो हम सब रोने लगे बिकॉज I could see how much he missed him because वो बहुत एक hands on dad है. He's a family man, he's a terrific father. पहले दिन से you know चाहे diapers change करो, उनका खाना तैयार करो, उनके कभी इनके लिए eggs बनाते और ketchup के साथ happy face बना देते हैं और कभी pancakes बनाते, grape strawberry से कुछ faces बनाते उसके ऊपर. So yeah, it's okay. So you know he knows how to take care of them. He does everything and I think वो कमी महसूस बहुत करते होंगे बिग बॉस के घर में कि सुबह उठ के वो routine नहीं है के बच्चों को देखना, दैट टेक देम टू द किचन, मेक देम फूड, टेक देम टू द पार्क. दैट्स अ पार्ट ऑफ हिज डेली लाइफ यू नो. एंड वो यू नो अगर मिस ये डेली लाइफ का रूटीन चले जाए तो इट्स सो हार्ड फॉर हिम. एंड फाइनली ही गॉट टू सी देम अगेन, सी देम बट नॉट बी एबल टू डू एनीथिंग फॉर देम, टू टेक केयर ऑफ देम. वो बहुत उनके लिए हार्ड था. एंड जस्ट यू नो इतने कम समय के लिए मिलना और फिर से छोड़ना, दैट वॉज द हार्डेस्ट पार्ट ऑफ ऑल. सच में यू नो डैड की तो आदत है, कभी कभी हम डोर बेल बजती है उनको पता, दो बार डैड बजाते हैं टिंग टिंग. सो अगर कोई गलती से भी दो दो धड़क डैड तो भागते हैं, नहीं नो इट्स नॉट डैड. अगर फ़ोन पे किसी से भी बात करूँ दे विल थिंक इट्स डैड. और कल मेरे दोस्त अश्मित का फ़ोन आया था तो उनको लगा कि डैड है. अगर कोई लड़के की मैं लड़के के साथ बात करती हूँ सिर्फ डैड ही हो सकते हैं. सो उनको सच में लगा डैड है. तो मैंने बोला यू नो दे थिंक इट्स डैड. सो उन्होंने हाय बोला प्रटेंडिंग टू बी डैड बिकॉज कल बहुत अपसेट थे ये दोनों, बहुत ज़्यादा. यू नो जब घर छोड़ के आए थे यू नो ऑन द वे होम दे क्राइड एंड दे वर सो क्वाइट एंड दे फेल अस्लीप. एंड सुबह भी उठ के दे वर सेइंग डैड कि डैड सच में नहीं है. सो जब फ़ोन आया उनको लगा कि डैड से बात हो रही है एंड दे फेल्ट अ लिटिल बिट बेटर बिकॉज ऑफ दैट. ओके, तो क्योंकि आप घर से भी होकर आए हैं, आपसे जानना चाहिए आप डेली एपिसोड देखने के लिए आप देखते होंगे जिस तरह से प्ले कर रहे हैं आप कर्म, कैसे आपने देखते हैं और आप एज ए दर्शक व्यूअर्स में जानना चाहेंगे गलतियों को एक किसी की का मानते हैं या वहाँ पर कुछ आपको जाके बातें की आप यहाँ पर गलत कर रहे हैं या इस तरह से प्ले कीजिए. ऐसा मैंने ज़्यादा नहीं बोला बिकॉज मैं नहीं चाहती उसकी गेम अफेक्ट हो जाए, यू नो कन्फ्यूज ना हो जाए. सो और उनकी एक जर्नी है, ही नीड्स टू फिगर आउट फॉर हिमसेल्फ. सो मैंने उनको सिर्फ यही बोला कि अगर आप ग्रुप में आ जाते हो आप क्या करते हो, ग्रुप में ग्रुप को फर्स्ट रखते हैं. प्लीज़ खुद को फर्स्ट रखा करो, यू नो प्ले फॉर योरसेल्फ, यू आर वेरी स्ट्रॉन्ग प्लेयर. उनको ये भी बोला है कि यू एंड दीपक आर द स्ट्रॉन्गेस्ट परफॉर्मर्स टास्क को लेकर. सो डोंट गिव योर चांस टू अदर पीपल बिकॉज दे नीड यू टू विन. सो यू हैव टू थिंक ऑफ योरसेल्फ बिकॉज ये भी गेम है और आपको भी जीतना है. हाँ, सर लेटर तो हो चुका है लेकिन लेटर मैंने किसी को पर्सनली ऐसा अटैक नहीं किया था. सो आई थिंक यू नो अगर हम आवाज़ उठाते हैं देयर इज़ अ वे टू डू इट इन अ काइंड रिस्पेक्टफुल वे एंड आई थिंक दैट वाज अप्रिशिएटेड एंड आई डोंट रिग्रेट. आई डिड व्हाट आई थॉट वाज राइट. यू नो इट्स माय जॉब टू स्टैंड बाय माय हस्बैंड इफ ही वी आर स्ट्रांग इंडियन वुमेन एंड वी आर इमोशनल. सो वी विल स्पीक our mind, we will speak our heart and agar hame kuch
جواب سوال کرنے ہیں ہم پوچھ سکتے ہیں بنا کسی کو اٹیک کیے. سو یو نو آئی تھنک دیر از اے وے. اوئے ہوئے جاؤ. آر یو گوئنگ نو ادھر کھڑی. اوکے یو کین اسٹے ہیئر. ٹھیک ہے, اف یو وانٹ ٹو سٹ یو سٹ. ٹھیک ہے, شو ٹو اسٹے ہیئر. ہاں سو yeah, but this, getting back to this journey, it's tough for everybody. چاہے کوئی باہر ہو یا کوئی اندر ہو, کیونکہ ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اندر کیا ہو رہا ہے, کیا کر رہے ہیں. It's really difficult to watch as a viewer. You know, every season we watch Big Boss, لیکن reality تب ہوتی ہے زیادہ real جب ہمارے گھر والے اندر ہیں. So we call a strong contestant. You know, ابھی آپ کبھی ڈاؤن. Where did you go yesterday? The bus. Who did you see? Salman Khan. She was looking for Salman Khan. جب باہر آئی تھی رو رہی تھی crying dad, اور بیچ میں Salman Khan please help. تو وہ سب انڈمان والے باہر کھڑے تھے. Did she just ask Salman for help? ایسا لوگوں کو, you know, people pray to God for help, she's asking Salman Khan. ان کو لگتا ہے کہ یہ سلمان خان کا گھر ہے. شو کا نام ہے بگ باس, لیکن ویکینڈ پہ سلمان خان آتے, لیکن سو اٹس ہز ہاؤس. اگر ہیلپ چاہیے سلمان خان کو ہیلپ مانگو, بیکاز اس سے مانگیں گے تو وہ گھر کے اندر شاید لے جائے گا اور ملاقات کروا دے گا. سو یو نو افسوس ہے کہ سلمان خان بھی نہیں ان کی ہیلپ کرنے آئے. اسٹرانگ کنٹیسٹنٹ, یو نو, hello, you know, I think that everything keeps changing. Every day equations change. Main kuch bol bhi nahi sakti, genuinely I don't know, because there's everybody right now is, it can be anybody's game. And jab show thode halfway point tak pahunch jata hai, we always say okay, this person has a strong chance. Aisa there was this season, that was not there, that we think this person for sure. Everybody is giving their best effort. 3 hafte bache, so dekhte hain kaun kahan آگے جاتا ہے. میں سب کنٹیسٹنٹس کو یہی بولنا چاہوں گی کہ 3 ہفتے بچے اور جو امیج ہم یو نو اپنی شو میں بنائیں گے وہی امیج ہمارے ساتھ لائف کے لیے رہے گی. سو فار دا نیکسٹ 3 ویکس ایسا نہیں کہ یو نو چپ چاپ شانت بیٹھو, پھر بھی شو ہے, لڑائی جھگڑے تھوڑے تھوڑے ہوں گے, بٹ لمٹ میں رکھو, کسی کے جان بوجھ کر ہرٹ نہ کرو. Don't get personal, people's careers, people's families, that's not required, because that's not the image you want to take home with you. So let it be a clean fight, let it be a fair fight. Nanny. Thank you so much. Thank you. And bye. Say bye-bye. Bye, Big Boss. Bye. Say bye, Big Boss. Bye, Big Boss. Oh, yeah, say bye, Salman Khan. Bye, Salman Khan. Bye, Daddy. বলিউডের লেটেস্ট নিউজ আর গসিপের সঙ্গে আপডেট থাকতে এখনই সাবস্ক্রাইব করুন আমাদের ইউটিউব চ্যানেল, বেল আইকনে ক্লিক করতে ভুলবেন না.